पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अमेठी से बड़ी खबर है, प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी अमेठी पहुंचे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जायजा लेने के लिए अमेठी पहुंचे हैं। परियोजना पैकेज 1-2 का जायजा लिया है। लखनऊ से बलिया तक जाएगा ये एक्सप्रेस वे, फरवरी तक लोगों को मिल सकता है तोहफा। अधिकारियों संग अवनीश अवस्थी ने बैठक भी की है और अमेठी से सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए हैं। तो अमेठी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी अमेठी के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जायजा लेने के लिए अमेठी का दौरा है उनका और परियोजनाओं को पैकेज 1-2 का जायजा लिया है। साथ ही साथ तमाम अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी की गई है। और अमेठी से हमारे संवाददाता लोकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी अमेठी के दौरे पर पहुंचे, क्या कुछ उनका आज का कार्यक्रम रहने वाला है? जी, आपको बता दें कि आज अमेठी के दौरे पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। चूंकि जो लखनऊ से बलिया तक का 6 लेन एक्सप्रेस वे जा रही है, उसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और उन्होंने वहां पर अमेठी जनपद के बाजार सुकुल ब्लॉक के फटमऊ एक स्थान है, वही उधर से होकर निकल रही है, वहीं पर पहुंचे जो है और पहुंचकर वहां पर निरीक्षण किया। वहां के जो कार्यवाह और कार्यस्थल था, दोनों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी के साथ जिला स्तरीय अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उनके साथ भी बैठक का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर गोमती नदी के पथ निर्माणाधीन ओवरब्रिज है उस पर जो है पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया और वहां के जो अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश देते हुए वो यहां से सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए। लोकेश, जो लखनऊ से बलिया तक का 6 लेन का एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, इसको कब तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके बनने के बाद अमेठी के लोगों को इससे कितनी राहत मिलेगी? जी, बताना चाहेंगे कि जिस हिसाब से कार्य चल रहा है, हालांकि कोरोना काल में भी इसका कार्य चला जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये से जनवरी फरवरी के लगभग जो है फरवरी 20 तक ये हैंडओवर हो जाएगा और चल जाएगा। इससे अमेठी के लोगों की अगर हम बात करते हैं तो अमेठी के लोगों को जो है निश्चित रूप से आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो रास्ता है वो दूरी तय करने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ से बलिया जाना हो, लखनऊ जाना हो, और इस पर जो है इसके जो किनारे गांव पड़ रहे हैं उन गाँव के लिए कुछ ना कुछ रोजगार, ढाबा होटल ये सब चलाने के लिए उनका उनको रोजगार भी मिलेगा निश्चित रूप से। तो कहीं ना कहीं अमेठी जिले के लिए भी जो है भले ही थोड़ी सी थोड़ा ही पड़ रहा है, लेकिन काफी इससे जो है अमेठी जिले को लाभ मिलेगा। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।